राजधानी भोपाल समेत प्रदेश के अनेक इलाकों में बारिश का दौर लगातार जारी है। तेज बारिश के चलते प्रदेश की कई नदियां उफान पर है, जिससे कई जिलों का संपर्क एक दूसरे से टूट गया है। मौसम विभाग ने आने वाले 24 घंटे में भोपाल, इंदौर, नर्मदापुरम, जबलपुर, शहडोल संभाग में भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसके अलावा कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी भी दी गई है। मैं एस एन साहू, मौसम विज्ञानी। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के भोपाल, नर्मदापुरम, इंदौर, उज्जैन, जबलपुर संभागों के जिलों में अधिकांश स्थानों पर, ग्वालियर, चंबल संभागों के जिलों में अनेक स्थानों पर वर्षा दर्ज की गई। शहडोल और सागर संभागों के जिलों में कहीं कहीं वर्षा दर्ज की गई है। मुख्य आंकड़े विदिशा में 20 सेंटीमीटर, अलीराजपुर में 18 सेंटीमीटर और इटारसी और सौसर में 17 सेंटीमीटर, पिपरिया 16 सेंटीमीटर, सुल्तानपुर में 13 सेंटीमीटर, डोलरिया में 12 सेंटीमीटर, घोड़ा डोंगरी सुहागपुर में 11 सेंटीमीटर और भी जगह है, हैवी रेन है, जो कि ये मुख्य आंकड़े मैंने आपको दिए। और अगले 24 घंटे के दौरान एक ट्रफ लाइन है जो कि सागर दमोह से निकल रही है और एक लो प्रेशर है उड़ीसा के ऊपर है, जिस वजह से काफ़ी मध्य प्रदेश में वर्षा देखने को मिल रही है। और अगले 24 घंटे के दौरान भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम, शहडोल, जबलपुर में अधिकांश स्थानों पर और रीवा, सागर, ग्वालियर, चंबल और अनेक स्थानों पर वर्षा हो सकती है और भारी से बहुत भारी वर्षा भोपाल, नर्मदापुरम, शहडोल, जबलपुर, इंदौर संभागों के जिलों में और तथा पन्ना, दमोह, सागर, रतलाम, उज्जैन जिलों में होने की संभावना है। भोपाल में गरज चमक के साथ वर्षा हो सकती है, एक दो दौर तेज हो सकते हैं और अधिकतम तापमान 28 और न्यूनतम तापमान 22 डिग्री रहने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमएसटीवी भोपाल।